नवंबर 2020 से लेकर अभी मई 2021 तक जो मेरा इनकम है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ अभी, क्योंकि जो प्रोडक्ट मुझे ही सूट नहीं किया वो मैं कैसे शेयर करूँ आप लोगों के साथ। मुझे जितना अमाउंट मिला है मार्च में बहुत ही ज्यादा अमाउंट मिला है मुझे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांड कोलैबोरेशंस, एक है बार्टर कोलैब और दूसरा है पेड कोलैब। वो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, अभी मैं पेड कोलैब्स करती हूँ। मेरा चैनल पिछले साल मई मंथ में मोनेटाइज हो गया था। हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शाइनी। आज का वीडियो होने वाला है Q&A वीडियो। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी Q&A वीडियो शेयर करने के लिए। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर आप लोगों से पूछा था कि आपको जो भी जानना है अबाउट यूट्यूब, अबाउट माय पर्सनल लाइफ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी ये है, आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं अपने लाइफ रिलेटेड अपडेट्स देती रहती हूँ। सो मेनली आस्क क्वेश्चन है वो है कि अबाउट माय यूट्यूब इनकम। तो मैं आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रूफ कि मैं लास्ट 365 डेज मतलब एक सालों में मैंने यूट्यूब से जितना भी कमाया है तो मैं वो शेयर करने वाली हूँ। चलिए इस वीडियो को बिल्कुल टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यूट्यूब रिलेटेड और मैंने किस तरह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मेरा चैनल पिछले साल मई मंथ में मोनेटाइज हो गया था और उसके बाद रेवेन्यू आना स्टार्ट हो गए थे। एंड फर्स्ट जो मैंने पेमेंट रिसीव किया था फ्रॉम यूट्यूब वो था नवंबर मंथ में। तो सब डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते कि किस तरह से सारा प्रोसेस चला, मैंने डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है उसके ऊपर, आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन पूछा है नीतीश साधना ने, वो मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर है और वो मुझे बहुत पहले से इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करती है। तो दी, आप मेरे बहुत ही फेवरेट यूट्यूबर हो, आई लव यू दी, आपकी ड्रीम क्या है और आप यूट्यूब के अलावा और क्या करते हो? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल साधना, क्योंकि वो मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। तो उसने पूछा है अबाउट माई ड्रीम। तो अभी इस स्टेज में मेरा एक ही ड्रीम है, वो है कि मेरा जो चैनल है वो स्टेबल हो जाए, मेरे यूट्यूब चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी क्रॉस हो जाए। तो 1 लाख एक माइलस्टोन होता है, उसके बाद काफी ज्यादा बूस्ट मिल जाता है चैनल को। तो अभी तो मेरा यही ड्रीम है। और अगर मैं कुछ और ड्रीम की बात करूँ तो मुझे घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, तो मैं कई जगह पर ट्रैवल में जाना चाहती हूँ, लेकिन कोविड के बाद वो हो पाएगा। सो नेक्स्ट उसने पूछा है आप यूट्यूब के अलावा और क्या करते हो? मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है। और उसके साथ मैं न्यूज रीडिंग भी करती हूँ एक बंगाली न्यूज चैनल के साथ, तो मैं वो पार्ट टाइम में करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन साधना ने ही पूछा है कि ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने से कुछ इनकम भी होता है और कैसे कोलैब करते हैं, वो खुद कांटेक्ट होते हैं, मींस प्रोसेस क्या है, मतलब हम लोग खुद कांटेक्ट करते हैं या ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन का प्रोसेस क्या है, वो हमें पे करते हैं कि नहीं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रांड कोलैबोरेशंस, एक है बार्टर कोलैब और दूसरा है पेड कोलैब। बार्टर कोलैब में वो सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स सेंड करते हैं एंड आपको उसके ऊपर वीडियो बनाना या जो भी वो चाहते हैं वो आपको उन्हें देना पड़ता है। और पेड कोलैब में वो आपको प्रोडक्ट्स सेंड कर सकते हैं एंड उसके बदले में आपको उनको वीडियो देना है एंड वीडियो के लिए आपको वो कुछ पेमेंट करेंगे, जो कमर्शियल्स म्यूचुअली डिसाइड होता है उसके बेसिस पर पेमेंट होते हैं। तो दोनों तरह के कोलैब्स मैंने किए हैं, बार्टर पे भी किए हैं, पेड में भी किए हैं। अब मेरा जो अभी चैनल है वो काफी ज्यादा स्टेबल हो चुका है पहले से और एक्सपेंसेस भी है, क्योंकि चैनल के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी आपका खुद का रहता है, जिसकी वजह से अभी मैं पेड कोलैब्स करती हूँ। और ऐसा नहीं कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट या फिर कोलैबोरेशन अगर आप करते हैं तो आप प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते या वो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें सारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट करना पड़ता है खुद के ऊपर, तो स्किन पर भी काफी इफेक्ट पड़ता है। कई बार कुछ प्रोडक्ट्स हमारे स्किन पर सूट भी नहीं करते तो ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। तो हम लोग ब्रांड्स को बोल देते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो मेरे पे सूट नहीं किया, हम ये वीडियो नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोडक्ट मुझे ही सूट नहीं किया वो मैं कैसे शेयर करूं आप लोगों के साथ। मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोग है जिनको वो प्रोडक्ट सूट कर सकता है, बट मुझे तो सूट नहीं किया, तो इसीलिए मैं वो वीडियो नहीं करती हूं। बट हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं जिनके वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूं, तो वो प्रोडक्ट्स मुझे सूट करते हैं इसीलिए मैं शेयर करती हूं। अब मुझे ये ठीक रखना पड़ता है कि किस महीने में मैं कौन सा प्रोडक्ट ट्राई आउट करूंगी। अगर मैं किसी ब्रांड का सीरम ट्राई कर रही हूं या फेस क्रीम ट्राई कर रही हूं तो मैं कोई दूसरे ब्रांड से उस महीने फेस क्रीम या सीरम से मैं कोलैबोरेशन नहीं करती,
लेती हूँ मैं, अगर शैम्पू कंडीशनर का कोलैब है तो मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ट्राई करना होता है एंड 15 डेज तक जरूर ट्राई करना है हर प्रोडक्ट। मैंने कुछ दिनों पहले स्किन क्राफ्ट से भी मुझे कोलैबोरेशन के प्रोडक्ट्स मिले थे, मैंने अभी भी यूट्यूब पर उसका वीडियो रिव्यू वीडियो शेयर नहीं किया है, क्योंकि स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है ट्वाइस एवरी डे और फिर आपको रिजल्ट नजर आएगा, तो वो तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कई सारे और ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करने होते हैं, तो मैं एकदम डेडिकेटेडली उस प्रोडक्ट को ही मैं इस्तेमाल नहीं कर सकूंगी। इसीलिए मेरी दीदी स्किन क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हैं एंड उसका अभी शायद एक महीना हो गया है वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके, अभी मैं आप लोगों के साथ जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो शेयर कर सकती हूँ। तो इस तरह से होता है, पेट कोलैब हो या बटर कोलैब हो, हमें हमेशा ये ध्यान में देना है कि हम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें और जो जेन्युइन फीडबैक है वो हम लोग शेयर करें। काफी सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं जो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और जो उन्होंने कहा मुझसे पूछा है कि हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं या वो कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मेरा यूट्यूब करियर में मैं पहली बार आई थी एकदम स्टार्टिंग में, मैं खुद से कॉन्टैक्ट करती थी, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया है खुद से कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि उससे ना ब्रांड्स आपको पे नहीं करते, उससे ब्रांड्स को ये लगता है कि इस यूट्यूबर को मेरे प्रोडक्ट्स चाहिए इसीलिए उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया है। मुझे अभी बिल्कुल भी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, तो मैं बार्टर अभी बिल्कुल भी नहीं करती। काफी सारे ब्रांड्स से हमें अप्रोच करते हैं, उससे क्या है कि हम कमर्शियल्स ठीक से डिसाइड कर पाते हैं, अगर मैं खुद से उन्हें अप्रोच करूँ तो बिल्कुल भी वो पे नहीं करते, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें पेमेंट तो जरूर देनी है। सो या इस तरह से ब्रांड से काफी ज्यादा इनकम होता है, क्योंकि यूट्यूब एडसेंस से उतना ज्यादा अभी इनकम नहीं हो रहा, स्पेशली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन सीजन। मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ जो स्क्रीनशॉट है वो मैं शेयर करूंगी, आप सबको पता चलेगा कि पहला जो नवंबर जनवरी फरवरी में मुझे जितना अमाउंट मिला है, मार्च में बहुत ही ज्यादा अमाउंट मिला है मुझे, लेकिन उसके बाद से जब से अगेन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ इस सेकेंड वेव के बाद से रेवेन्यू काफी कम हो चुकी है। सो ब्रांड से ही जितने पैसे आते हैं वो जनरली ब्रांड से ही आते हैं। त्रिशांकु बैनर्जी ने मुझसे पूछा है आर यू सिंगल, तो आप मेरे वीडियोस मेरे व्लॉग्स अगर आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा मैं सिंगल हूँ या आई एम कमिटेड, आप सबको पता चलेगा आई एम सिंगल और नॉट, ये पता करने के लिए आपको मेरे वीडियोस एंड व्लॉग्स एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। MD फारूक ने मुझसे पूछा है हाउ मच यू गेट फ्रॉम यूट्यूब, सो यूट्यूब इनकम है अभी काफी लोगों ने, अब यहाँ पर बोंग लड़का ने भी पूछा है योर यूट्यूब इनकम, कई लोगों ने मुझे फेसबुक पर भी ये पूछा था। सो मैं अभी जो 365 डेज का जो मेरा रेवेन्यू है, मतलब नवंबर 2020 से लेकर अभी मई 2021 तक जो मेरा इनकम है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ अभी ये स्क्रीनशॉट। सो इतना डॉलर्स मुझे अभी तक मिला है, नवंबर में मेरा फर्स्ट पेमेंट मिला था, दिसंबर में कोई पेमेंट नहीं मिला एंड जनवरी से लेकर मुझे कंटिन्यू हर महीने पेमेंट मिल रहा है। सो जितना पेमेंट आज तक मुझे मिला है वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आप लोगों के साथ, आप उसे गूगल में या किसी भी ट्रांसलेटर में ट्रांसलेट करके इंडियन रुपीज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो दिस इज माई यूट्यूब इनकम अलॉन्ग विथ प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने मुझे पूछा है बनी जी अरोड़ा ने, विच कैमरा यू यूज आर यू यूजिंग फॉर रिकॉर्डिंग वीडियोज, मैंने अपने काफी सारे वीडियोज में शेयर किया है ऑलरेडी, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर कई सारे स्टोरीज में शेयर किया था कि मैं कौन सा कैमरा इस्तेमाल करती हूँ यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए, कौन सा लेंस मैं इस्तेमाल करती हूँ। इनफैक्ट मैंने जब कैमरा मैं खरीदने गई थी पिछले साल उस टाइम भी मैंने एक व्लॉग शेयर किया था, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस व्लॉग को चेक कर सकते हैं तो आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएगी। नेक्स्ट समवन आस्क्ड दैट विल बॉर्न कन्फ्यूज्ड 9 ने पूछा है विल बंगाली टेक चैनल वर्क, रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड माई यूट्यूब एंड नेम्ड इट बोंगोलाइसिस एम आई एसियन। एक्चुअली दिस इज समवन फ्रॉम माई स्कूल, मैं जहाँ पर पढ़ती थी उस स्कूल से किसी ने मुझे ये टेक्स्ट किया है, थैंक यू सो मच फॉर टेक्सटिंग मी या मुझे पूछने के लिए, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू चैनल। सो हाँ डेफिनेटली बंगाली टेक चैनल जरूर काम करेगी, क्योंकि
आजकल का जो YouTube ऑडियंस है वो काफी ज्यादा एक्सेप्टिंग हो गए हैं। पहले बंगाली चैनल्स उतना हद तक वर्क नहीं करते थे, लेकिन अभी हर कैटेगरी में बंगाली चैनल्स काफी ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहे हैं और टेक चैनल काफी हेल्पफुल होते हैं। मैं भी पर्सनली टेक चैनल को फॉलो करती हूँ। हर कोई यूट्यूबर या क्रिएटर टेक चैनल को फॉलो करता ही करता है, क्योंकि काफी सारी जानकारी चाहिए। सो दिस इज वेरी गुड कि बंगाली लैंग्वेज में एक टेक चैनल ओपन करना इज वेरी हेल्पफुल एंड मुझे लगता है कि आइडिया बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट मुझे किसी ने पूछा है कि विच यूट्यूब चैनल यू वॉच मोस्टली। सो मोस्टली मैं दो यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करती हूँ जो कि बंगाली बेस्ड है। एक है टेक रिलेटेड एंड दूसरा है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। तो उसी बंदे ने मुझे फिर से पूछा है कि एनी गुड बंगाली चैनल दैट यू फॉलो। हाँ, बंगाली तो दोनों का ही एक आंसर होगा। बंगाली चैनल जो मैं फॉलो करती हूँ हर रोज उनके सारे वीडियोस, वो कोई बड़ा चैनल ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं उस चैनल को फॉलो करती हूँ। उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड करूंगी। इनकेस अगर आप उस चैनल से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते हैं, जैसे कि रेशन कार्ड या आधार कार्ड से कैसे नंबर लिंक करना है, या फिर इन्फॉर्मेशन ऐसे इस तरह के करंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कि मेरे और मेरे फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसी तरीके का इन्फॉर्मेशन ना और भी कई सारे चैनल्स शेयर करते हैं, लेकिन वो जेन्युइन है कि नहीं वो हमें नहीं पता, बट दिस इज टोटली जेन्युइन क्योंकि मैं हमेशा बहुत दिनों से इस चैनल को फॉलो करती हूँ, तो इसकी वजह से आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अनादर टेक चैनल है जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प हुई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगी, उस चैनल को भी आप चेक कर सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अभी मेरा जो कैमरा का बैटरी है ना वो डेड हो गया है। तो आज का जो क्यू एंड ए वीडियो है वो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे और भी क्वेश्चंस है जो मुझे आप लोगों के साथ आंसर करना है। तो मैं कभी दूसरे इसका पार्ट टू बनाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ उस वीडियो को शेयर करूंगी। और अगर आपको आपके फिर भी कुछ भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं जब पार्ट टू इसका शेयर करूंगी तब मैं इन सारे क्वेश्चंस को भी वहां पर इंक्लूड कर लूंगी। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।